हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और आज हम सब देखेंगे बॉलीवुड कपल्स के शॉकिंग एज डिफरेंसेस को। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब लिस्ट में नंबर 5 पे नाम आता है रणवीर कपूर और आलिया भट्ट का। इन दोनों की शादी हाल में हुई थी और इन दोनों के बीच में 10 साल का एज डिफरेंस है। आलिया भट्ट 29 साल की है तो रणवीर कपूर उनसे 10 साल बड़े 39 साल के हैं। इन दोनों का रिलेशन काफ़ी अच्छा चल रहा है और हाल में ही आलिया भट्ट प्रेग्नेंट हुई। और फाइनली कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण से अफेयर रखने के बाद लोगों का मानना था कि वो आलिया भट्ट को भी छोड़ देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने आलिया भट्ट से शादी कर ली। इसी के साथ अब लिस्ट में नंबर 4 पे नाम आता है विकी कौशल और कैटरीना कैफ का। इन दोनों के एज में भी 5 साल का गैप है। कैटरीना कैफ की है जहाँ 39 साल की है, वहीं विकी कौशल भी 34 साल की। इन दोनों के बीच में कोई पुरानी लव केमिस्ट्री देखने को नहीं मिलती। मेन रीज़न रणवीर कपूर है। रणवीर कपूर ने कैटरीना कैफ को छोड़ा, उसके कुछ समय बाद ही कैटरीना कैफ ने विकी कौशल से शादी कर ली और अपने सलमान भाई फिर से अकेले रह गए। इसी के साथ अब लिस्ट में नंबर 3 पे बात करते हैं अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा का। इन दोनों के बीच में पूरे 12 साल का अंतर है। जहां अर्जुन कपूर की एज मात्र 36 साल है, वहीं मलाइका अरोड़ा 48 साल की है। इस टॉपिक के लिए मुझे लोगों ने काफ़ी रिकमेंड किया था। आपको पता होना चाहिए अर्जुन और मलाइका का अफेयर अभी तक का सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि सलमान खान की वो भाभी थी। और बात यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। आपको पता होना चाहिए पहले अर्जुन कपूर सलमान खान की बहन के साथ और अब उनकी भाभी के साथ अफेयर में है। अब लिस्ट में नंबर 2 पे नाम आता है प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स का। प्रियंका जहाँ 40 साल की हैं, वहीं निक जोन्स मात्र 30 साल के हैं। इन दोनों के बीच में पूरे 10 साल का अंतर है। लोगों का मानना है कि प्रियंका चोपड़ा ने निक जोन्स से बस इसलिए शादी किया ताकि वो हॉलीवुड में बने रह सके। आपको पता होना चाहिए निक जोन्स काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और म्यूजिक कंपोजर भी है। इसी के साथ अब लिस्ट में नंबर 1 पे नाम आता है सैफ अली खान और करीना कपूर का। इन दोनों के बीच में भी 10 साल का एज डिफरेंस है। जहाँ करीना कपूर मात्र 42 साल की हैं, वहीं सैफ अली खान का एज 52 साल का है। आपको बता दें, जब सैफ अली खान की पहली शादी अमृता सेन से हो रही थी, उसी शादी में करीना कपूर भी आई थी और वो उस समय महज 13 साल की थी। उन्होंने सैफ अली खान को कॉन्ग्रेचुलेशन अंकल भी बोला था, जिसके रिप्लाई में सैफ अली खान ने थैंक यू बेटा भी कहा था। मगर किसने सोचा था कि ये दोनों एक दिन शादी कर लेंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो इस पे 2000 व्यूज़ कंप्लीट कर दीजिए, इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।